हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का 6th चैप्टर के 6.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका फर्स्ट सम है 2.56, इसका स्क्वायर रूट करते हैं 2.56। फर्स्ट इसके पेयर बनाते हैं 1, 2, टू पेयर बने हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 है या 2 से लेस है? 1 बन जा 1, 2 माइनस 1, 1। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर नीचे लिखेंगे 56। 1 प्लस 1, 2। अब 2 के साथ इस तरह का नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 156 आए। क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर? 156। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्केयर का लास्ट डिजिट 6 हो? स्केयर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 6। 4 4 16, 16। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6 6 36, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो हम फर्स्ट 4 से करते हैं। 4 4 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 8, 8 plus 1 9। ये इसके साथ मैच नहीं हुआ, नेक्स्ट 6 से करते हैं। 6 6 36, 36 का 6, 3 कैरी, 6 2 12 plus 3, 15। ये इसके साथ मैच हो गया 156। किसके साथ किया था? 6 के साथ, तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6, यहाँ क्या रह गया? 0। तो 2.56 का स्क्वायर रूट क्या है? 1.6। 2.56 का स्क्वायर रूट क्या है? 1.6। नेक्स्ट सम है 7.29, इसका स्क्वायर रूट करते हैं 7.29। इसके पेयर बनाते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर का जिसका स्क्वायर 7 है या 7 से लेस है? 2 2 जा 4, 7 minus 4, 3। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर नीचे लिखते हैं 29। 2 plus 2, 4। अब 4 के साथ इस तरह का नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 329 आए। क्या आना चाहिए? 329। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्केयर का लास्ट डिजिट 9 हो? क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट? 9। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9। तो फर्स्ट हम 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये इसके साथ मैच नहीं हुआ, नेक्स्ट 7 से करते हैं। 7 7 जा 49, 49 का 9 4 कैरी, 7 4 जा 28 plus 4, 32। ये इसके साथ मैच हो गया 329। किसके साथ किया था? 7 के साथ, तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7, बाकी क्या है क्या? 0। तो 7.29 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 2.7। 7.29 का स्क्वायर रूट क्या है? 2.7। तो इस तरह से हमने डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड किया।